बीच में से फाड़ दूंगी। मैं क्यों जवाब दूं आपको इस चीज का? चुड़ैल जैसी लगती है, बंदर जैसी लगती है। सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की फैमिली में जो भी ड्रामा चल रहा है उसको लेकर काफी सारी बातें की जा रही हैं। ये बात आप जानते हैं कि अरमान मलिक ने अपनी सगी बहन के साथ जो बदसलूकी की है उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर अरमान मलिक को लोग काफी सारी गालियां दे रहे हैं, उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अब अरमान मलिक को लेकर लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसके बाद उनकी दोनों पत्नियां अरमान के सपोर्ट में आ गई है। सोशल मीडिया पर अपने लिए इतने सारे नफरत भरे कमेंट्स देखकर पायल मलिक ने एक नया ब्लॉग डाला है। पायल मलिक इस पूरे ब्लॉग में सपना मलिक से लेकर कई सारे मुद्दों पर बात करती नजर आई हैं। आपको बता दें पायल मलिक बकायदा इस वीडियो में रोती बिलकती नजर आई हैं और इसके साथ ही काफी अग्रेसिव मोड में उन्होंने ये तक कहा कि अगर किसी ने मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की तो मैं उसे बीच में से फाड़ दूंगी। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर पायल मलिक ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें अरमान मलिक की सगी बहन सपना मलिक ने पूरी फैमिली पर कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक जिस तरीके से उन्होंने अरमान के घर में काम किया उसके बाद अरमान की दोनों पत्नियों ने अपनी सगी ननंद के साथ जो बदसलूकी की है उसी को लेकर ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई हुई है। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक में सपना मलिक ने पायल और कृतिका की जो सेवा की, उनके बच्चों को संभाला, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में वो रातों रही भी है। लेकिन जिस तरीके से पायल और कृतिका ने सपना के साथ बदसलूकी की, सोशल मीडिया पर अरमान को लेकर इतने सारे नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं, तो ऐसे में पायल कृतिका दोनों ही अरमान के सपोर्ट में आकर एक वीडियो डाल चुकी हैं। इस वीडियो में पायल ने बहुत सारी बातें की और इसके साथ ही ये क्लियर कर दिया है कि सपना मलिक को चैनल उन्होंने ही बना के दिया। अब अगर उनके कॉन्टेंट से सपना मलिक को फायदा हुआ है तो ऐसे में उन्हें अरमान को थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि फैमिली की बातों को बाहर लेकर आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी बताया कि सपना मलिक जो है काफी गरीब फैमिली से आई थी, सिलाई कढ़ाई करती थी। ऐसे में अरमान मलिक ने ना सिर्फ उन्हें नया घर दिया बल्कि नौकर चाकर भी दिए और उन्हें YouTube पर ब्लॉग बनाना भी सिखाया। इसके साथ ही इस ब्लॉग में पायल मलिक ने अपने बच्चों को लेकर भी ढेर सारी बातें की। पायल मलिक का कहना है कि जो लोग उनके बच्चों को बद्दुआएं दे रहे हैं और यहां तक कि तूबा को काली बोल रहे हैं, भद्दी बोल रहे हैं, इस पर भी उनका रोना निकल गया। पायल मलिक ने खुले तौर पर चुनौती दी है कि अगर लोगों ने उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके पति के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो वो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। पायल मलिक का ये लेटेस्ट व्लॉग इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और जो लोग पायल कृतिका अरमान के फैंस हैं वो पायल कृतिका अरमान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने सपना मलिक का व्लॉग देखा है वो सभी लोग सपना को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। अब अरमान मलिक ने जो कुछ अपनी बहन के साथ किया वो सब आपने देखा है, लेकिन पायल मलिक का ये जो रिएक्शन सामने आया है जिसमें वो रोती बिलकती नजर आ रही हैं और खुले तौर पर धमकी भी दे रही हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी जो भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।